मुंह ऐसे ही फूला रहता है ऐसे। भारत में जब किसी को बोला जाए, जब कोई आपको कहे, आप पूछो क्या हुआ, वो बोले कुछ नहीं, तो मतलब सब कुछ हो गया है, आप सब कुछ हो, तो मूड मेरा कोई और ऑफ कर जाता है और हम मूड ऑफ के बहाने ढूंढ रहे हैं। मूड ऑफ के हमारी जो ईगो है अंदर जो भरी हुई है वो हमारे रिश्तों से भी ऊंची हो जाती है। हम सिचुएशंस को जीतने की बजाय जो हम चार लोग मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। सर मैं जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया तो इतना जो संगठन मैंने देखा, कोई भी बड़े से बड़ा काम हो आपस में एकदम टीम वर्क बनाकर सारा काम करते हैं, और कई बार उस अनुसार काम नहीं होता, उस अनुसार काम नहीं होता, तब भी धीरे धीरे सब पीछे से पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने ये एक चीज देखी थी, जब पहले कहीं जाते थे मैं, अगर जब ये वाला सिस्टम संबंधी आया था तो हम एकदम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं, अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप यहां से कोई जा रहे हो और आपको ठोकर लगी, ठोकर लगती है आप एकदम बोलोगे ये किसने रखा यहां, तो मतलब आप इल्जाम किसी और पर डालने का प्रयास कर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने मन को राजी करना है। आपने आजकल गाड़ी सभी सेल्फ स्टार्ट देखी, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, जो खुद से, जिसमें मेहनत ना लगे, बस राइट डायरेक्शन में टर्न करना और थोड़ी देर स्टार्ट हो गई। पहले गाड़ी थी जो टू व्हीलर वगैरह होती थी, किक स्टार्ट थी या धक्का स्टार्ट थी। अब अपने से पूछे, क्या मैं सेल्फ स्टार्ट हूं? एम आई सेल्फ स्टार्ट? सेल्फ स्टार्ट हूं या मुझे हमेशा, जैसे अभी रूपा जी ने हमारे आके बताया, पुश या पुल चाहिए, किसी और का अप्रिशिएशन चाहिए, किसी और को वो चीजें चाहिए। मुझे वो बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, हमारे वो उन्होंने पीछे बोला एक्सपेक्टेशंस, यही बोला था ना आपने पीछे मोड ऑफ का कारण। मैं एक बार कहीं पार्क में गया सुबह तो देखा एक व्यक्ति अपने पेट को, छोटा सा उसका डॉग था, उसको गले में पट्टा बांधकर खींच रहा था, वो नहीं आना चाह रहा था, उसे जबरदस्ती घसीट रहा था। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो, उसने कहा दिस इज माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है, मैं चाहे जो मर्जी करूं, तो उसे खींच रहा था। मैंने बहुत प्यार से उसे कहा इसका पट्टा खोल दो, उसके बाद ही आपके पीछे पीछे आता है, तब ये आपका है, पट्टे में तो दुनिया एक दूसरे को खींच खींच के चल रही है। नहीं, हमने रिश्तों के नाम पे एक पैक्ट, समझौता, पूरा मेमोरेंडम साइन करते थे ना ऐसे, पूरे दोनों तरफ से रूल्स वो होते थे, हम ये करेंगे ये करेंगे, तो पूरा वो समझौता एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं। तो रिश्तों को समझना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर मैं कहता हूं मैं किसी को प्रेम करता हूं तो उसकी पहली शर्त है कि मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। प्यार की पहली शर्त क्या है? रिस्पेक्ट। तो क्या मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं? क्या मेरे मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट है? तो वो जो रिस्पेक्ट है वही डिसाइड करती है कि ये प्रेम है। मुझे ध्यान है हमारे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, एक युवा लड़का आया, उसने कहा मैं अपनी कजिन सिस्टर को लेके आऊंगा आपके पास तो काउंसलिंग के लिए, तो टाइम लेके गया। जब वो आई तो उसने बताया कि उसका कॉलेज टाइम जब पास आउट हुआ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही थी, तो उसकी किसी से दोस्ती हुई, दोस्ती हुई तो
उसने उस दोस्ती का गलत फायदा उठाया और कुछ फोटोग्राफ्स लिए। अब वो ऐसा लगता है कि उसने कहा कि मैं, मेरा दिल करता है कि मैं जैसे सुसाइड कर लूं या मर लूं या क्या कर लूं। तो मैंने पूछा, क्या आप अपने पिता को बताया है या मां को बताया है? कहते वो तो मुझे मार डालेंगे जिंदा जान से अगर उन्हें पता लग गया। मैंने कहा यही तो बच्चों की गलतफहमी है। जिससे रक्षा मिलनी थी, जिससे रक्षा पक्का मिलनी है, जिससे सिक्योरिटी मिलनी है, उसी से आप छुपा रहे हो और सबको पता है। तो हमें कौन सी चीज कहां बतानी है और कहां नहीं बतानी। और यहां पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है, क्या हम इतने बड़े वृक्ष के रूप में हैं कि कोई आकर हमारे को अपने दिल की बात बता सके कि ये मुझसे गलती हो गई है, और हम कह सके कि अब मैं संभाल लूंगी। तो ये रिश्ते हैं। अगर आपने डंडे के जोर पे रिश्ते चला रहे हैं तो लोग तो आपसे ही डर रहे हैं। आप ऑफिस में कहीं बॉस है, आपके जूनियर से कोई गलती हो गई, तो होना क्या चाहिए? सबसे पहले आके अपने बॉस को वो बताए कि मुझसे ये गलती हो गई है। अगर उसे यही चिंता है कि अगर उसको पता लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी किसी और को पता लग जाए कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब रिश्ते खराब है। तो आप चेक करें, पहली बात जहां से शुरुआत हुई थी कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्ति है, एक ही लाइन सालों से जाके सुना रहे हैं, सुनते हैं तो अगले दिन जाके सुनाने का दिल करता है ना, नहीं? तो हमारी कोई सुनता नहीं है क्योंकि हमें सुनाना नहीं आया और हमें भी उनकी सुननी नहीं आई। तो पहले हम सुनना सीखे, सुनने से पहले यहां सबर सीखे। यहां क्या सीखे? तो अगर मैं शांत हूं, आपका मूड डिसाइड करता है आपका जीवन में आपके रिश्ते और सिचुएशंस कैसी है। जैसे अभी आप यहां हैं, बड़े खुश मूड में हैं, यहां से बाहर गए, अभी बाहर ही पहुंचे हैं रोड पर, किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी आपको, तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान से चलाया कर, जाओ, छोड़ देंगे। अगर यही सिचुएशन को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से घुमा के देखा जाए, आपका मूड खराब है और अभी साइकिल वाला आपके पास से निकला और उसका हैंडल हिला और आपने उसका हैंडल पकड़ लेते हो, वो बोला लगी तो नहीं, आप बोलते लग जाती तो, और भिड़ जाते, ऐसा है कि नहीं है? तो आपके मूड का ही तो है ना, आपने सिचुएशन को कैसे टैकल करा। जब मैं छोटा था, घर में पहुंचता था तो घर में मेरा भाई पहले मुझे बता देता था, आज तापमान हाई है, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, कृपया अपना छाता लेके चले। छाते का मतलब मैं अपना बैग लेता, बुक निकालता और बैठ जाता, क्योंकि कभी भी वो तापमान आ सकता है। तो सिचुएशन थी, और तभी पता लग जाता ना, आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आज। बच्चे, हमारे जूनियर हमारा मूड देखकर हमसे बात करते हैं, नहीं करते? हम भी अपने सीनियर का मूड देखकर बात करते हैं। रूम के बाहर जो अर्दली खड़ा होता है उससे पूछते हैं, साहब का मूड कैसा है? वो बोले आज बहुत गुस्से में है लेकिन अकेला है, कि कल आएंगे। कह नहीं आज टाइम है, कहना काम खराब थोड़ा करवाना। हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है उसी हिसाब से तो हम काम कर रहे हैं। आप घर पहुंचे, आपका बच्चा इसी फ्लावर पॉट के आसपास घूम रहा है, गुलदस्ते के आसपास, और देखा थोड़ी देर में टूट गया। आपके और फैमिली मेंबर जो घर में बैठे हैं उन्होंने कहा ये देखो तोड़ दिया, आप क्या बोलते हो? और आ जाएगा।
और इसी को दोबारा से सिचुएशन को लेकर जाएं, आपका मन खराब